आप हमारे आपके फर्स्ट ब्रेक के बारे में कुछ बताइए, लाइक पहली मूवी, पहला ब्रेक. वो बहुत कमाल था. पहली मूवी, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एल्बम्स गाता था और मन में तो था कि कभी फिल्मों में काम करने को मिले, एक छोटा सा भी रोल मिल गया, अगर एक दो मिनट का भी मिल गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत फिल्मची आदमी हूँ. बचपन से ही बहुत फिल्में देखता हूँ, आज भी समय मिलता है तो फिल्म ही देखता हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है फिल्में देखना. तो मेरे मन में तो था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं एक मिनट के लिए भी पर्दे पे आ गया तो बस हो गया मेरा काम. और बस ये मेरा सौभाग्य था कि एक एल्बम मैंने गाया था 2003 में और वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उसके गाने, लोग बहुत लाइक किए. और उसके बाद एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, जो एक भोजपुरी में फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म का जो थीम था वो बहुत अच्छा था कि भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए. इस पे उनकी एक मूवी थी और उसके लिए वो हीरो ढूंढ रहे थे और वो बहुत प्रयास कर रहे थे. और काफ़ी प्रयास के बाद भी जब उनका कुछ नहीं हो पाया तो वो अपने गांव गए हुए थे और गांव में वो अपने ससुराल गए हुए थे. तो अपनी सासू जी से बातचीत उनकी चल रही थी कि मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, एक हीरो ढूंढ रहा हूँ. तो मेरा एल्बम उनकी सासू जी ने उनको थमाया कि आप ये एल्बम देखो और इसमें जो लड़का है इसको लेके फिल्म बनाओ. तो उन्होंने देखा और वो बोले अरे वाह ये तो बहुत सही है. फिर वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे लेके पहली फिल्म बनाई. हमका ऐसा वैसा ना समझा, हाँ, बल्कि ये अलग बात है कि वो पहले रिलीज नहीं हो पाई. वो फिल्म रिलीज हुई चलत मुसाफिर मोहलियो रे, पर मैंने पहली फिल्म जो शूट किया था वो हमका ऐसा वैसा ना समझा, जो इस विषय पे फिल्म थी कि भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता मिली. आपने कहा आप एक सिंगर थे तो क्या आप दो लाइन गा सकते हैं आपके फेवरेट सॉन्ग का? जी जी, मेरा पसंदीदा गाना जो है वो गाना है जो मेरे पिताजी भी गाते थे और कहीं ना कहीं इसलिए ही मैंने उसको फिल्म में भी रखा और वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गाने को. आपको क्या लगता है कि जो यंग लोग हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ कर ले, कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जो युवा के लिए, युवा वर्ग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वरदान है भी अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके अंदर कोई गुण है और आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जहां से आप पूरी दुनिया को अपने हुनर के बारे में बता सकें तो ये बेस्ट है. फेसबुक पे आप अपनी उस चीज़ को शेयर करके पूरी दुनिया के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी पहुंच हर जगह हो सकती है. अभी हाल ही में एक बहुत जल्दी का ही उदाहरण है, एक लड़की गायिका हैं, अभी मैं मिला था उनसे 4-5 दिन पहले. वो कई बार ट्राई कर रही थी एक रियलिटी शो में गाने के लिए, उनको कई बार रिजेक्ट किया गया तो उनको लगा कि मैं क्या करूं. उनको गाना था और वो बहुत अच्छा गाती हैं तो उन्होंने अपने गाने को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू कर दिया और लोग सुनना शुरू किए और आज वो बिहार की बहुत पॉपुलर सिंगर बन चुकी है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कला है, कोई या कोई भी, आप चाहे लिखते हो, गाते हो या आप कुछ बनाते हो, कोई वीडियो बनाते हो और आपको लगता है कि उसके लिए आप सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं या लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फेसबुक आपकी मदद करता है. अच्छा, आप हमें आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए. आने वाली जो मेरी फिल्में हैं, अभी 15 फेब को आ रही है निरहुआ चला लंदन, जो 25 को ही रिलीज होने वाली थी पर नहीं हो पाई, तो अभी वो 15 फरवरी को रिलीज होगी. इसके बाद होली के दिन एक फिल्म आ रही है शेरे हिंदुस्तान, उसके बाद एक और फिल्म बन के तैयार है गबरू जो आएगी ईद पे, और अभी अभी हमने एक फिल्म और कंप्लीट किया जो फिल्म आएगी लगभग 15 अगस्त को, लल्लू की लैला, और बाकी शूटिंग चल रही है, उसके बाद फिर ऐसे ही आती रहेगी. आपका फेवरेट को-स्टार कौन है? मेरे फेवरेट को-स्टार वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन.
और आपको फिर से उनके साथ ही काम करना है या कोई और एक्टर है जिनके साथ आपको काम करना है? मुझे, मैंने अमित जी के साथ तो मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। मैं एक बार और काम करना चाहता हूँ अजय देवगन जी के साथ। वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं उनकी बहुत फिल्में देखता हूँ, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। और मैं आप लोगों से ऐसे ही जुड़ता रहूँगा, आप लोगों से बात करता रहूँगा। और आपके कुछ भी सवाल हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही लाइव आके और आपसे बातचीत करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।